गर्लफ्रेंड को बिस्तर पर कैसे लाया जाए। देखिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है कि आप जिस लड़की से रिलेशन में हो उससे आप कैजुअल रिलेशनशिप लीड कर रहे हो या फिर सीरियस रिलेशनशिप में हो। क्योंकि अगर बात कैजुअल रिलेशनशिप की जाए तो उसमें सारी चीजें पहले से ही साफ होती है, क्योंकि दोनों ही लोग, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, एक दूसरे से कैजुअल रिलेशनशिप में अपने फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए ही आते हैं। लेकिन अगर बात सीरियस रिलेशनशिप की जाए तो वहां पे चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहां आप सीरियस रिलेशनशिप लीड कर रहे हो तो अगली जो है आपको बार बार पे जज करती है कि यार बड़ी जल्दी हो रही है फिजिकल होने की, अगला मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। और ऐसे में जो लड़के लोग हैं सीरियस रिलेशनशिप में खासकर अपने प्यार से जल्दी ही हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि या तो वो जल्दबाजी कर देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से सेक्स करने के लिए या फिर जबरदस्ती कर बैठते हैं। तो अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हो और अपनी गर्लफ्रेंड को लंबे टाइम से डेट कर रहे हो और उसे बेड पर लाना चाहते हो, उसके साथ फिजिकल होना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस वीडियो को अब यहां से ध्यान से देखिएगा। तो पहली चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो जाए, राजी हो जाए, तो सबसे पहले आपको उसका विश्वास जीतना होगा। उसे लगना चाहिए कि आप उसके विश्वास के लायक हैं। उसे अपने ऊपर डिपेंडेबल बनाओ। देखिए, एक लड़की के दिमाग में हमेशा एक चीज घूमती रहती है कि अगर मैं इसके साथ फिजिकल हो गई उसके बाद ये अपना रास्ता नाप लेगा, क्योंकि जो इसे चाहिए वो इसे मिल चुका होगा। तो उसे ये एहसास उसके अंदर पैदा करो कि नहीं, आप सिर्फ उसके लिए शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं हो, ये तो सेकेंडरी चीज है, आप उससे प्यार करते हो। एंड बी ऑनेस्ट विद हर। वो जब आपके साथ सेक्स करे उसे सेक्स के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए। उसे ये लगना चाहिए कि सेक्स करने से पहले और सेक्स करने के बाद मैंने अगर इस इंसान के साथ बेड शेयर किया, अपनी फीलिंग शेयर की, तो मेरा फैसला एकदम सही है, उसे किसी भी बात का पछतावा ना हो। दूसरा पॉइंट, गिव हर टाइम। देखो, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जल्दी डिसीजन ले लेती हैं और जल्दी तैयार हो जाती हैं सेक्स करने के लिए, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो ज्यादा टाइम लेती हैं, वो जल्दी से किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाती। तो उसको पूरा वक्त दीजिए। उसे किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो है वो उसके साथ सेक्स के लिए ऑब्सेस्ड हैं। बेशक आपकी फिजिकल नीड हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपको 24 घंटे उससे सेक्सुअल टॉक, वल्गर टॉक नहीं करनी है। ये चीजें आपको अवॉइड करनी है तब तक जब तक वो कंफर्टेबल ना हो जाए आपके साथ, अपनी साइड से ग्रीन सिग्नल ना दे दे। तीसरी चीज, अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ छोटे छोटे किस करने में कंफर्टेबल फील करती है, जो कि आपको उसे करने के बाद ही पता लगेगा, तो जब भी आप उससे मिले उसे प्यारा सा हग, फोरहेड पर किस, चिक पर प्यारी सी किस जरूर करें, जिससे वो आपके शारीरिक एहसास की आदी हो जाएगी। और वैसे भी कोई लड़की अनजान शरीर से रिश्ता नहीं बनाती। नाउ फोर्थ पॉइंट, उसकी जरूरतों का ख्याल रखें, केयर टेकर बने। देखिए, अगर आप उसकी नॉर्मल जो जरूरतें हैं उनका ख्याल नहीं रखोगे तो बेडरूम में उसकी जरूरतों का ख्याल कैसे रखोगे? तो उसका मूड कैसा है, कहीं वो परेशान तो नहीं है, डिस्टर्ब तो नहीं है। मान लो कि आप उससे फोन पे बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो परेशान है, तो उसकी परेशानी को दूर कीजिए, उसका मूड अच्छा कीजिए, उसकी जरूरतों पर ध्यान रखिए, हेल्पिंग हैंड उसके लिए बनिए। जब उसको लगे कि हाँ दिक्कत है उसे, तो ऐसा होना चाहिए कि उसे आपकी ही याद आए। देखो, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं आपके म्यूचुअल बॉन्ड को भी स्ट्रांग करती है, आपके आपस का जो रिलेशनशिप है उसको सींचती है। ये ना केवल आप दोनों के रिश्ते को मजबूत करेगी, बल्कि उस लड़की के माइंड को भी आपके लिए पॉजिटिव रखेगी, और धीरे 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 वो आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगेगी, आपके ऊपर विश्वास करने लगेगी, और उसे इससे ये समझ में आएगा कि आप जो हैं सिर्फ उसके साथ अपने फिजिकल नीड के लिए नहीं है, यू रियली लव हर। आप उसे सच्चा प्यार भी करते हैं, और सच्चा ही करते हैं ना, सच्चा ही होना चाहिए, बिकॉज यू आर इन अ सीरियस रिलेशनशिप। और जब वो अपने मन से तैयार हो जाएगी आपके साथ फिजिकल होने के लिए, तो देखो, हो सकता है शुरू में वो शाय फील करे, आपको बोलने में झिझके, लेकिन उसके इशारे आपको ही समझने होंगे। तो ऐसे में आपको एक अच्छा जज होने की भी जरूरत है, इसलिए तो आपको पहले ही बता दिया कि ऑब्जर्व करना सीखिए,
कि कब उसका कैसा मूड है, परेशान है, दुखी है, खुश है, किस तरह का मूड है। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप हो जाएगी और जब वो पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाएगी आपको लेके और वो इशारा आपको देगी, तो क्योंकि आप उसका ध्यान रखते हैं, आपने उसको ऑब्जर्व करा इतने दिनों तक, तो आपको ये पहचानने में मुश्किल नहीं आएगी कि शी इज नाउ रेडी फॉर द सेक्स। अब है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के इशारे समझ चुके हैं और आप उसे बेड पे लेकर मान लो कूद जाते हैं, तो देखो ऐसा हो सकता है कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान अचानक ही उसका मूड बदल जाए। लड़की है वो, लड़की के मूड को तो आज तक कोई समझ नहीं पाया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि उसकी जो हाँ है वो ना में बदल जाए। तो देखो आपको अपना मूड खराब नहीं करना है, आपको उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करनी है, और अगर उसके बावजूद भी वो कंफर्टेबल नहीं होती है तो आप उससे दूरी बना लीजिए। रिस्पेक्ट हर डिसीजन। जब आप उससे दूरी बनाएंगे तो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। फिर बाद में फोन पर या फिर कभी जब उससे मिले, आपकी मुलाकात हो, तो उससे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर उस दिन हो क्या गया था, वो इतनी अनकंफर्ट क्यों हो गई थी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और दोबारा जब वो परेशानी वो आपको बता दे या जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो आपको बता दे, तो उसका ध्यान रख के फिर किसी दिन उसका मूड बनाइए एंड आप 100% श्योर कि आप सक्सेस हो ही जाएंगे। तो लास्ट में इतना ही कहूंगी कि गलती करने से बचिए और गलती अगर हो जाए तो सीख कर आगे बढ़िए। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि अपनी गर्लफ्रेंड को बेड पर कैसे लेकर आए, खासकर तब जब आप सीरियस रिलेशनशिप में हो। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन बताना मत भूलिएगा। और हाँ, गर्लफ्रेंड वाला लुक आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैंने सोचा चलो गर्लफ्रेंड के ऊपर टॉपिक बनाया जा रहा है तो उसी तरह का ड्रेसअप किया जाए, लाइक कॉलेज गर्ल, कोई गर्लफ्रेंड जो होती है इसी तरह की ड्रेसेस पहनती है ना। वैसे ये जंपर सूट मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद आया नहीं आया बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।